जैसे कि आप जानते हैं कि प्लेटो सोक्रिटीज एंड अरिस्टोटल हैव प्रोवाइडेड बेसिस फॉर स्टडिंग इंस्टीट्यूशन एंड दे हैव बीन एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन प्रोड्यूसिंग गुड सिटीजन्स एंड ऑल दे हैव बीन डूइंग इज टू फाइंड गुड सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन विच कुड लीड ह्यूमन बींग्स टू लिव हैप्पी लाइफ बट मैनी पीपल हैव बिन वर्किंग इन देयर फ्रेमवर्क एंड अंटिल द मॉडर्न टाइम्स अलॉट ऑफ पीपल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दैट थाट आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूशनलिज्म को समझने के लिए मॉडर्न uh, इंस्टीट्यूशनलिज्म की फाउंडेशन को समझना थोड़ा जरूरी है आइए उस पर थोड़ी बात करते हैं जो अमेरिकन फेडरलिस्ट थे जिनमें अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉन जे और जेम्स मेडिसन बहुत इम्पोर्टेंट हैं इन्होंने uh, बहुत काम किया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में ड्यूरिंग एटीन सेंचुरी इट वाज रियली डोमिनेंट इन अमेरिका एट दैट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हो रहा था उसमें दो किस्म की डिबेट्स थी एक फेडरलिस्ट्स की डिबेट थी और एक एंटी फेडरलिस्ट्स की डिबेट थी जो फेडरलिस्ट थे वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन में काम कर रहे थे और उनका ये ख्याल था कि अच्छी सोसाइटीज़ अच्छे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करके ही बनाई जा सकती है जबकि एंटी फेडरलिस्ट का ये ख्याल था कि ह्यूमन वर्चू या सिविक वर्च्यू को बुनियाद बना के अच्छी सोसाइटी डिज़ाइन की जा सकती है ये एक लंबी डिबेट है और पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है इस डिबेट में अल्टीमेटली द फेडरलिस्ट वॉन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिज़ाइंड इन द इंस्टीट्यूशनल थॉट। अब एटीथ और नाइन्टीन सेंचुरी में अमेरिका में और जर्मनी में और बहुत सारे जगहों पे इंस्टीट्यूशनलिज्म हैज बीन द डोमिनेंट मोड ऑफ पॉलिटिकल थॉट। और भी बहुत सारी पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं पॉलिसी स्टूडेंट्स जिनको देखते हैं कंपेयर करने के लिए या अपनी रिसर्च को गाइड करने के लिए अब लिस्ट्स या फेडरलिस्ट्स क्यों इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करते रहे हैं उनका जो व्यू था ह्यूमन नेचर के बारे में वो ये था कि ह्यूमन बीइंग्स ग्रीड और एवरेस और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं और दूसरे लोगों को का चीट करते हैं डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या उनको इंटीमिडियट करने की कोशिश करते हैं जैसा हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो जेम्स मेडिसन का ये ख्याल था कि इफ़ मैन वर एंजल्स नो गवर्नमेंट वुड बी नीडेड नो इंस्टीट्यूशनस वुड बी नीडेड जैसे एंटी फेडरलिस्ट्स का ये ख्याल था कि सीविक वर्च्यू पर तैयार किए गए इंडिविजुअल्स ज़्यादा बेहतर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन जेम्स मेडिसन और दूसरे फेडरलिस्ट का यह ख्याल था कि ह्यूमन बींग्स सिविक वर्चू और दूसरी अच्छी खूसियात को सूरत में एग्जिबिट नहीं करते जिसकी वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं और बहुत सारे लोग अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं और दूसरों के राइट्स को आ, सप्रेस करते हैं या उनको डिलीवर नहीं करते तो उसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस डिज़ाइन करना ज़रूरी था जिनकी मदद से लोगों में जो टेम्पटेशन है सेल्फ़ इंटरेस्ट को प्रसू करने की उसको कम किया जा सके चेक किया जा सके या पनिश किया जा सके कुछ और बातें भी थी उनके जहन में जैसे मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स नहीं देंगे ये उनका ख्याल था नाइन एटीन सेंचुरी में जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रहे थे और उनका ये ख्याल था कि अगर मुख्तलिफ़ इदारों में डिवीज़न ऑफ़ पावर ना हो तो एक अदारा दूसरे इदारों को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा एज़ रिज़ल्ट दे प्रपोज़ डिवीज़न ऑफ़ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जैक्टिव एंड जुडिशरी And they also designed institutions in a devolved manner. They decentralized power, and they gave a lot of powers to the states and uh, to the local governments. So ye, institutional uh, uh, design the hi American constitution. Mein. And these insights actually came from the long institutionalist tradition, starting with Socrates, Plato and Aristotle in Western political thought. So, उनका एंट्री फेडरलिस्ट के बरक्स ये ख्याल था कि रादर दैन रिलाइंग ऑन दी फॉलोइंग एज फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी पब्लिक स्पिरिटेडनेस सोशल इक्वालिटी एथिक्स वर्च्यूज़ इन पर रिलाय करने की बजाय इंस्टीट्यूशनल डिवाइस ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती हैं सोशल प्रॉब्लम्स को और पोलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो ये ख्याल बहुत अब तक डोमिनेंट हैं अमेरिकन पॉलिटिकल थॉट में और बहुत सारी दूसरी जगहों पे कि इंस्टीट्यूशंस के, के ज़रिए सोसाइटीज़ को रेगुलेट करने का ख्याल आ, बहुत आ, एक तरह से अहम है जितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस डिज़ाइन किए जा सकें शायद उतनी अच्छी सोसाइटीज़ प्रोड्यूस की जा सकती हैं तो आप इंस्टीट्यूशनल थ्योरी को जब पढ़ेंगे तो ये जो विकैबलरी है इंस्टीट्यूशंस की या इंस्टीट्यूशनलिस्ट थॉट की उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है इसमें कुछ है, systems, 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 तो systems की वर्ड्स हैं जैसे सिस्टम्स पॉलिटिकल सिस्टम्स जुडिशल सिस्टम्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स पॉलिटिकल पार्टीज सिस्टम्स तो सिस्टम्स की विकैबलरी बहुत अहम है मेकनिज़म्स मेकनिजम्स मीन के ये सिस्टम्स किस तरह ऑपरेट करेंगे ये दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट Um, control uh, is important in institutions because institutions restrict some kind of behavior and they promote uh, other kinds of behavior. Realism is an important part of institutionalist vocabulary. Skepticism, just uh, like we have about, institutionalists are generally skeptic about uh, the role of civic virtue in fashioning the organized uh, social life. And facts, uh, collection of facts about society is very important in institutionalist tradition.